मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के विरोध में मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने रांची में एक दिवसीय महाधरना राजभवन के समक्ष दिया। इस महाधरना में एनडीए गठबंधन को छोड़ झारखंड की सारी पार्टियों ने इसमें शिरकत की। यही नहीं, इस महाधरना में सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश भर में इंडिया का प्रदर्शन धरना चल रहा है क्योंकि ये मोदी की सरकार फेल हो चुकी है। विभिन्न राज्यों में इंडिया के तरफ से इंडिया मने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार की नीतियों और आरएसएस की देश विभाजक नीतियों के खिलाफ इकट्ठा हुए एक विचार के हम सफर यात्रियों का सारे देश में प्रदर्शन, आंदोलन, सड़क पर प्रदर्शन, धरना चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरकार फेल हो गई। क्यों? कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए। क्यों? कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का अपमान ही नहीं किया, महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं का निर्वस्त्रीकरण कर दिया। मणिपुर की घटनाओं ने भारतीय विधान, संविधान, परंपरा, हमारी नारी की प्रतिहार्ता देवी सरस्वती, दुर्गा माँ काली से जो हम नवाजते थे, जो राधा जी और सीता जी का नाम देकर हम उनके सामने दंडवत होते थे, उसको पूरा खत्म करके उन्हें नग्न करके दौड़ा दिया। हमने सुना था कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के दौर में जब द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था और उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब हम गाते थे द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने, मन तो मेरो कर ली गोविंद राधे श्याम। आज पूरा का पूरा आरएसएस और बीजेपी कौरव दल में बदल गया। इसलिए हम देश में, देश के विधान, संविधान, देश की मान मर्यादा, देश की धार्मिक सहिष्णुता और देश के अंदर धर्मों के बीच में एकता और जातियों के बीच में आपस में वैमनस्य नहीं, सौहार्द की भावना को मजबूत करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं देश के संविधान को बचाने के लिए, और नरेंद्र मोदी को ये इंडिया देश की सरहद की पार भेज देना चाहिए। वहीं जेएमएम महासचिव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मणिपुर की घटना को लेकर के आज हम लोग राजभवन के समक्ष बैठे हैं और मणिपुर की घटना से पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया मर्माहत है। और मर्माहत इसलिए है कि जिस तरह से लोगों का वहां पलायन हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं, शिविर में रहने के लिए मजबूर है। 200 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, हजारों की संख्या में घरों को जलाया गया है, लोग बेघर होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। और जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, और उसके बावजूद भी इस देश की केंद्र सरकार को मणिपुर का जो संज्ञान लेना चाहिए था, जितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, वो केंद्र सरकार के तरफ से नहीं दिख रहा है। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मणिपुर में हुई जातीय हिंसा और संविधान की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गईं, महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया, उसके खिलाफ हम लोग महाधरना दे रहे हैं और इस महाधरना के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी सरकार को घेरा। देखिए, जो लगातार मणिपुर पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 80 दिनों से, प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात तो बहुत करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं, मनमानी करते हैं लेकिन मणिपुर की बात नहीं करते। हम लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक इंडिया के बैनर तले उनको घेरने का मन बनाया है, उनको एहसास दिलाने का काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देश में
महिलाओं की इज्जत खतरे में है, पूरा देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है, नफरत चरम पर है, आप उसको काबू में लीजिए, अन्यथा आप मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कीजिए, बीरेन सिंह को बर्खास्त करके, और कहीं ना कहीं वहाँ जो गृहयुद्ध की स्थिति जो बनी हुई है उसको खत्म करने का काम कीजिए। आज हम लोग राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को हम लोग आवेदन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए मणिपुर के राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए। मणिपुर की घटना को आप विगत 70-80 दिनों से देख रहे हैं, पूरे देशवासियों को मणिपुर की घटना झकझोर करके रख दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया गया, हजारों लोगों का घर उजाड़ दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई, जिंदा जलाया गया। देश के प्रधानमंत्री हमें लगता है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो तांत्रिक हैं। 75 दिन के बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट दो घंटा इस पर समय दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, देश का नेतृत्व कर रहा है और वो आधा घंटा भी मणिपुर के बारे में नहीं बोल पा रहे। गौरतलब है कि मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।